हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या कर रहे हो आप सब लोग? क्वारंटीन कैसा चल रहा है और कितना बोरिंग लग रहा है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे। मैं तो बहुत बोर हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज डेट है, कौन सा डेट है आज? आज आज मैं भूल गई, क्योंकि घर में रहने के चक्कर में ना मुझे कौन सा दिन है वो भी मैं भूल रही हूँ। आई गेस टूडे इज ट्यूजडे। हाँ, आज ट्यूजडे है। तो आज मैं क्या बताऊँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा था। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने बताया कि जब भी ग्रॉसरी ख़त्म होती है तब भी मैं बाहर जा रही हूँ। तो बहुत कुछ तो नहीं लाई हूँ, बहुत वो होता है ना स्नैक्स और वो सारी चीज़ें जो हम ऐसे ही मुंह में देते हैं। अभी ये क्वारंटीन टाइम में जो चल रहा है वो ऐसा है कि हम जब भी घर में बैठे रहते हैं और खाना बना भी रहे हैं रोज़ घर पे, लेकिन फिर भी थोड़ा इधर उधर का खाना खा रहे, जो थोड़ा अनहेल्दी तो है लेकिन इसमें कंट्रोल थोड़ा करना है। तो मैं अभी जो लाई हूँ वो आप देख सकते हो, ये सारा चीज़ मैं अभी लाई हूँ। तो अभी लाई हूँ, मतलब ये सोन पापड़ी का आप देख रहे हो, वो हल्दीराम का। एक्चुअली कोई भी मिठाई की दुकान खुला नहीं है, और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब मैं नहीं, हम लोग, मतलब हाँ मैं करती हूँ रसगुल्ला, उसके बाद पता होगा ना आपको कि बंगालीज का रसगुल्ला जो होता है, लेडीकेनी जो होता है। लेकिन मैं थोड़ा डाइट पे थी इसलिए मैं कुछ दिन नहीं खा रही थी, बट आई लाइक स्वीट्स, लेकिन स्पेसिफिक स्वीट होना चाहिए। सोन पापड़ी मुझे पसंद है, ये हल्दीराम का, क्योंकि अभी बहुत सारा स्वीट का दुकान बंद है। तो हमने ये हल्दीराम का, ये एक सोन केक है ये वाला, और ये वाला लिया है क्या, सोन पापड़ी, ये दो लिया। और एक कुकीज़ का पैकेट लिया, ऐसा कुकीज, और वो हल्दीराम का वो मूढ़ी के साथ थोड़ा कभी कभी शाम को खाने के लिए मन करता है तो ऐसा लिया। और वो मूंग दाल लिया दो सनी ने, छोटा छोटा, क्योंकि मैं मूंग दाल नहीं खाती हूँ और फुचका खाने का बहुत मन है। तो इसीलिए सोचा कि ठीक है, बाहर में तो पता नहीं जिंदगी में कभी और हम फुचका खा पाएंगे पाएंगे भी नहीं, क्योंकि जो सिचुएशन है आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा कोई किसी को हिम्मत होगा कि बाहर खड़े होकर फुचका खाए। तो इसलिए मैं दो पैकेट लाई हूँ फुचका, क्योंकि मैं वैसे ये वायरस के लिए नहीं, वैसे भी मैं ज़्यादा अनहाइजीनिक फुचका उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, घर में ही बना लेती हूँ। तो पहले ना मेरे पास वो छोटा छोटा पापड़ी के जैसा रहता ना, वो ऑयल में जिसको फ्राई करके फूल जाता है वैसा फुचका मेरे पास था, वो बिग बास्केट में मिलता है। लेकिन ये मेरे घर के बाजू में जो दुकान है वहाँ से मुझे मिला है, तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, बनाऊंगी शायद कब, पता नहीं, आज भी बना सकती हूँ कल भी बना सकती हूँ। आज तो बहुत ही थका हुआ फीलिंग हो रहा है, क्योंकि ऑफिस का बहुत ही ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था। और वो हम लोग एक्चुअली वो चाउमीन जो खाता है ना नूडल्स, वो अभी दुकान में नहीं है, तो ये मोटा मोटा नूडल्स ही हमें मिला है। ये वाला एक पैकेट लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लाई हूँ पता है क्या है, हमारे घर में ना डेटॉल का सोप ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए हमें ये सैवलॉन मिला है, जो कि अभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, तीन तीन सैवलॉन सामान मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझे खजाना मिल गया है खजाना मिल गया, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर में भी डेटॉल सैवलॉन नहीं मिल रहा है। तो सोचो मुझे मिल गया, मतलब मुझे तो खजाना ही मिल गया होगा ना ओके और ये मैं दो सोप लाई हूँ। मैं तो फेस में नहीं लगाती हूँ सोप, फेस वॉश लगाती हूँ, ये बॉडी के लिए दो रखी हूँ, क्योंकि पता नहीं अभी और कभी बाहर कब जा पाएंगे पता नहीं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई, दो आलू भुजिया ये, और दो लाई वो सौफ लाई उसके लिए। एक्चुअली मेरे पास वो पांच फोरन होता है ना जो हम साग में या कोई वेजिटेबल्स में देता है, वो मेरे पास ख़त्म है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग से वैसे ब्लैक तिल, सौफ, जीरा, ये सब मिला के ही मैं फोरन दे रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो इतना ही मैं लाई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। और क्या लाई हूँ मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सब लाई हूँ, ढेर सारा बिस्किट्स, क्योंकि अब टी बहुत पी रहे हैं हम घर पे, तो सोचा बिस्किट का कलेक्शन अच्छे से रख देते हैं, तो ऐसा हमने बिस्किट लाया। ऑलरेडी हम रास्ते में आते आते 6 पैकेट बिस्किट ख़त्म कर दिया, वो कुत्ते को हम थोड़ा खिला रहे थे रास्ते में,
क्योंकि अभी हम जब भी बाहर जा रहे हैं कुत्ते को बहुत बिस्किट्स खिला रहा है, क्योंकि दूध भी हम लाए थे उसके लिए, थोड़ा सा दूध भी पिलाया। शायद आज टाइम नहीं मिला, कल शायद फिर से जाएंगे तो आपके साथ दिखाएंगे कि हम कैसे उन लोगों के साथ मतलब कुछ उन लोगों के लिए कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो और जो लाई हूँ वो मैं दिखाती हूँ, और ये अमूल का पनीर, क्योंकि पता है पनीर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। नंदिनी का पनीर हम बहुत पसंद करते हैं, वो नहीं है। मिल्की मिस्ट का एक मिला बचा कुचा, मैं मिल्की मिस्ट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और ये अमूल का एक मिला, वो ब्लॉक ब्लॉक कटा हुआ रहता है। इट्स ओके, पनीर मैं ज़्यादा खाती हूँ क्योंकि मैं तो चिकन विकन नहीं खाती हूँ ना, तो पनीर मुझे थोड़ा चाहिए। और दो छोला जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना, कि मेरे पास छोला बिल्कुल नहीं था, दुकान में नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम ये बहुत खाते हैं जो ब्लैक छोले हैं, क्योंकि काबुली चना जो है वो मेरे पास है, तो ये वाला चना मुझे चाहिए था ब्लैक वाला, क्योंकि ये हम कभी कभी भिगो के सुबह में भी खाते हैं, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और एक वो लीचक पापड़ लिया है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये सनी के लिए है। यहाँ पे जितना भी ऐसे चीज़ है ना, ये मूंग दाल, आलू भुजिया, ये सब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ये एक्चुअली मैं बिस्किट्स खाती हूँ चाय के साथ, लेकिन साइड का उतना मैं नहीं खा पाती हूँ। जो मैं बना के फटाफट जो भी बना पाती हूँ बना के मैं खा लेती हूँ, लेकिन पैकेट उतना मैं नहीं खाती हूँ, मैं पहले भी बहुत बार बोली हूँ। और बिस्किट्स मैं खाऊंगी, प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जो लाई हूँ बहुत दिन बाद, देखिए अमूल का एक आइसक्रीम लाई हूँ जिसका फ्लेवर है ऑरेंज, गोल्ड ऑरेंज, देख सकते हो, पता नहीं ये कौन सा फ्लेवर है। ऐसा आइसक्रीम, ये कितना ग्राम है पता नहीं, आई गेस हाँ 1 लीटर का है। एक्चुअली मैं आइसक्रीम, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम मत खाओ मत खाओ, लेकिन हम भी नहीं खाना चाहते थे क्योंकि अभी गर्म खाने के लिए सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन पर घर में लेके खा रहे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अभी पता नहीं कितना टेस्ट कैसा होगा नहीं होगा, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि ऑरेंज आइसक्रीम मैं बहुत दिन ट्राई नहीं किया। मैं अल्फेंजो, उसके बाद चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी तो बहुत टाइम ट्राई करती रहती हूँ, बट पता नहीं ये कैसा रहेगा, तो लेट्स ट्राई। तो मैं अभी शायद चाय बनाऊंगी, नहीं तो ये आइसक्रीम ही खाऊंगी। मैं सानी को जाकर पूछती हूँ उसको क्या करना है, उसको चाय पीना है या आइसक्रीम खाना है, क्योंकि आज पता नहीं आज बारिश हो रही है, एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। चाय पीने का मन तो कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ये आइसक्रीम देख के भी मुझे बहुत आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं, मैं सनी को थोड़ा पूछ लेती हूँ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइए कि आपका लॉकडाउन का टाइम कैसा चल रहा है, कमेंट पे ज़रूर बताइए, और ज़रूर मुझे आपका जो फ्री टाइम है कैसा बीत रहा है। मैंने जो वीडियो अपलोड किया था आपके लिए वो हेल्पफुल रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट पर। तो तब तक मैं सनी से पूछ के आती हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा ऑफिस का काम में बिजी है। मेरा ऑफिस का काम अभी ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं है कुछ भी, फिर से कल सुबह 7 बजे से मुझे रहना है ऑनलाइन। तो चलिए मिलते हैं बाद में। हेलो, आई एम बैक। तो सनी को मैं पूछ के आई हूँ, सनी ने बोला कि ही इज़ नॉट गोइंग टू हैव टी, सो वील हैव आइसक्रीम राइट नाउ। तो वैसे तो बहुत दिन हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, अभी थोड़ा ठंडा भी पड़ गया था, बैंगलोर में थोड़ा वेदर ठंडा भी है, और ये सब कोरोना वायरस जब से आया है तब से तो हम बिल्कुल ही नहीं खा रहे, तो देखते हैं अभी आज खाते हैं। तो इतना दिन बाद आइसक्रीम, पता नहीं, ये देखिए फ्लेवर दिख रहा है, ठीक है मैं ले लेती हूँ। We are going to have one scoop is enough. तो मैं डाल देती हूँ इसमें, और ये बहुत पिघल पिघल गया पता है, इतना मुझे लग रहा है थोड़ा पिघला है। और एक्चुअली मैं बहुत अभी लाई हूँ ना, पता नहीं वहाँ पे फ्रिज ठीक से चल रहा है, मैं आके फ्रिज में ही डाल दी थी, बट थोड़ा पिघल गया, थोड़ा सा अभी फ्रिज में रख दूंगी ना तो कल तक ये सही हो जाएगा शायद। सो अभी इतना सही काफी है, हम खाते हैं। तो आइसक्रीम इज लुकिंग लाइक दिस, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव, स्टे कनेक्टेड। हाय गाइस, आई एम बैक।
अभी सनी ने बोला उसको केक खाने का मन कर रहा है, तो मैं ये ओरियो बिस्किट से अभी एक केक बनाने वाली हूँ। मैंने पहले एक बार ट्राई किया था, रिजल्ट अच्छा आया था। तो ये दो ओरियो बिस्किट का बड़ा पैकेट जो आता है ना, उसका दो मैं ले लूँगी पहले। एक्चुअली मैंने ये, जैसे बोला, मैंने एक बार बनाया था, बहुत अच्छा आया था, बहुत इजी प्रोसेस है। दूसरा केक, जितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है अभी लॉकडाउन के टाइम, उतना इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के पास नहीं भी हो सकता है, तो आप ऐसे बना सकते हो। ये बहुत इजी रहेगा और बहुत कम इंग्रेडिएंट में आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सारा ओरियो बिस्किट ले लिया है, ये इसमें अभी इसको मैं मिक्सी में पूरा ग्राइंड करके पूरा पेस्ट नहीं, उसको सूखा ही आपको डस्ट बनानी है। तो मैं इसमें डाल के अभी अच्छे से इसको डस्ट बना लूँगी, क्योंकि केक के लिए मुझे पूरा उसका फाइन डस्ट चाहिए। तो मैं लेके अभी ये बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसे बना है। तो मैंने इसका डस्ट बना लिया है, ये जोरियो बिस्किट्स का, देख सकते हो कितना फाइन डस्ट बना है। तो मैं इसी से अभी केक बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने मिल्क ले लिया है, ये ठंडा मिल्क है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में जो है, रूम टेम्परेचर का। मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालूंगी, पूरा मिल्क मैं एक साथ नहीं डालूंगी, क्योंकि पूरा मिल्क एक साथ डालने से आपको कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप वैसे ही मिल्क ऐड करते जाओ। मैंने वो ओरियो बिस्किट में और कुछ भी नहीं ऐड नहीं किया, जैसे मैंने शुगर और सॉल्ट कुछ भी ऐड नहीं किया, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं उसमें शुगर और सॉल्ट देना चाहिए, बट आई सजेस्ट कुछ भी ऐड मत करो, क्योंकि ओरियो बिस्किट में ऑलरेडी एडेड शुगर रहता है। और ये जो मैं बनाऊंगी ये थोड़ा ब्राउनी टाइप का रहेगा, प्रॉपर केक आप नहीं बोल सकते, क्योंकि केक में बहुत स्वीट्स होता है, ब्राउनीज में वो नहीं होता है। तो ये ऐसे करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो जैसे बन रहा है, ऐसे हिसाब से आप मिल्क डालते जाओ। सो गाइज, यू कैन सी कितना स्मूथ बैटर बना है, ये आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कितना स्मूथ है। ये जब ऐसे ड्रॉप हो रहा है, आप देख सकते हो कितना स्मूथ बना है ये बैटर। इसमें मैं अभी डालूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपका हिसाब से आप डालो, जितना बड़ा केक बना रहा है उसके हिसाब से बेकिंग पाउडर, और उसके साथ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से थोड़ा कम होगा, ये एक्चुअली बेक होने में बहुत मदद करता है केक का। तो असली इंग्रेडिएंट जो है केक बनाने की, वो है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। लेकिन ये ध्यान में रखिए, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बेकिंग सोडा थोड़ा सा पिंच यूज़ करो, जितना बड़ा केक बना रहे उसके हिसाब से, क्योंकि जो फ्लफी होता है ना केक, वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के लिए होता है। तो मैंने इसको एक अच्छे से गुड मिक्स कर लिया है, तो देख सकते हो ये अभी मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको बनाने वाली हूँ माइक्रोवेन में। तो अभी मैं ये जो कांच का बाउल है, इसको मैं अच्छे से बटर से ये पूरा, ये देख सकते हो ना यहाँ पे नीचे पे, क्योंकि मेरे पास अभी जो बटर पेपर है वो नहीं है, तो मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ। नीचे मैं पूरा लगा दे रही हूँ जिसको मैं केक बेक करूँगी, नहीं तो वो चिपक जाएगा। तो इसमें अगर आप लगा लोगे ना तो नहीं चिपकेगा, तो केक अच्छे से बाहर निकलेगा जब बेक हो जाएगा। तो मैं अच्छे से इसको ग्रीस कर लूँगी बटर से। तो हो गया, अभी मैं ये जो बैटर है इसमें धीरे धीरे करके डाल दूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है बैटर का, एक्चुअली इस टाइम बैटर बहुत अच्छा बना है। लास्ट टाइम मेरा बैटर थोड़ा गड़बड़ हुआ था, बट दिस टाइम आई एम हैप्पी। और चलो देखते हैं केक बनता कैसा है। केक नहीं, आप ब्राउनी बोल सकते हो, केक ये प्रॉपर नहीं होने वाला है, ये ब्राउनी होगा जो थोड़ा सा मीठा कम है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से अच्छे अच्छे करके, मतलब शेप थोड़ा अच्छा है इसीलिए थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दूंगी। आप कोई भी चम्मच से ये कर सकते हो, तो मैं ऐसे कर लिया है अभी। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, आई होप कि उसको शेप बहुत अच्छा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये इतना सा नीचे है, पूरा बाटी के ऊपर में नहीं आया है। तो मैं अभी ये माइक्रोवेन में दूंगी। तो मैंने माइक्रोवेन के अंदर इसको प्लेस कर दूंगी ऐसे ही नॉर्मली, उसके बाद इसको बंद करके। मुझे टेम्परेचर तो कुछ सेट नहीं करनी है, सिर्फ टाइमर सेट करना है। टाइमर में मैं इसको दूंगी 5 मिनट्स 54 सेकंड, मतलब तकरीबन 6 मिनट्स। तो इसको मैं पकने देती हूँ। तो
6 मिनट्स ख़त्म हो चुका है, मैं इसको बाहर कर लूँगी। हाथ में गर्म लग सकता है तो इसीलिए मैं थोड़ा ये जो टॉवल है किचन टॉवल के साथ मैं इसको निकल रही हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये शायद पक चुका है, मुझे तो लग रहा है पक गया है। तो मैं अभी इसको इसको रखती हूँ टेबल पर कुछ टाइम तक। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। लुकिंग ओके काइंड ऑफ, पता नहीं कितना सक्सेसफुल होने वाली हूँ मैं इस टाइम, बट अभी थोड़ा ठंडा होने देता है। जैसे कि मैं चाकू से देख पा रही हूँ कि ये हो गया है बेक, आई डोंट थिंक सो ये कच्चा रहेगा, लेट सी। सो थोड़ा वेट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ उसके बाद रिजल्ट क्या आया है। 5 मिनट बाद मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। तो गाइस 5 मिनट्स इज ओवर। सो लग रहा है ये अभी निकालने का टाइम आ चुका है। तो मैंने एक प्लेट में इसको ऐसे उल्टा करके डाल दूंगी और उसको पीछे से थोड़ा सा ऐसे करके मारना है मुझे। मारना मतलब ऐसे टुक टुक करना है जैसे कि पूरा केक निकल जाए ऐसे। तो आई गेस इसमें से ही निकल जाएगा। तो गाइस एक्साइटेड राइट, अब मैं उठा रही हूँ। इट्स लुकिंग नाइस, ब्राउनी जैसा ही दिख रहा है। तो मैं छुरी से कट करती हूँ अच्छे से, मिड से नहीं, मैं साइड से कट कर देती हूँ ऐसे। या इट इज़ सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल ही कोई कट करने में दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ब्राउनी जैसा ही दिख रहा है, इट्स वेरी सॉफ्ट गाइस। आप देख सकते हो कितना आसानी से ये कट हो रहा है, आप देख लो बहुत सॉफ्ट बना है और बिल्कुल ब्राउनी जैसा दिख रहा है। सो इट्स यम्मी आई गेस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो बहुत अच्छे से पका हुआ है, बहुत अच्छे से बेक हुआ है। तो ओके क्वाइट सक्सेसफुल लग रहा है मुझे। तो मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी मैं कैमरा में इतना ही दिखा सकती हूँ, आप थोड़ा बाइट करके देख लो अगर कैमरा से हो सकता है तो। तो मैंने इसको ब्राउनी जैसा कट कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो। तो छोटा छोटा पीस में मैंने कट कर लिया। तो इट्स लुकिंग यम्मी गाइस, सीरियसली मैंने लास्ट टाइम जैसा बनाया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बनाया। इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स लुकिंग वेरी डिलीशियस, सीरियसली गाइस इट्स प्रॉपर ब्राउनी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।